इंतहाई काबिल एहतराम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से बाबरवान क्रूज मिसाइल के तजुर्बे के बाद एक और मिसाइल के तजुर्बे की तैयारियां अरूज पर हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चले कि पाकिस्तानी अफवाज साल 2020 से इस कदर मुतहरक हो चुकी है कि भारत में सफ़े मातम बिछ चुका है। पाकिस्तानी अफवाज के कम बजट के बावजूद आलमी रैंकिंग में 15वीं पोजीशन हासिल करना मुल्क दुश्मनों के लिए एक वाज़ह पैगाम है। दोस्तों, पाकिस्तान साल 2021 के कम अरसा में 3 मिसाइल तजुर्बात भी कर चुका है, जबकि पाक फौज के अलर्ट रहने की वजह भी आपको बताते चले कि जब सिखों ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहराया था तो उसी रात भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले का प्लान भी बन चुका था, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज के जरिए भारत को पैगाम दिया गया कि अगर इस बार भारत ने ऐसी कोई हरकत की तो भारत के लिए हमारा जवाब नाकाबले बर्दाश्त होगा। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान बलूचिस्तान यथर के इलाके से आइंदा 2 हफ्ते में किसी लॉन्ग रेंज मिसाइल का तजुर्बा करने जा रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे हमवतनों, मैं रोज़ पाकिस्तान की किसी न किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी की वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि दुश्मन को पता चल सके कि पाकिस्तान से किसी भी सूरत में पंगा लेना महंगा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी ऐसी खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं कि सिर्फ एक बटन प्रेस करने की देर है कि दुश्मन मुल्क मट्टी का ढेर बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसलिए आपसे इंतहाई मुतमाना इल्तमास करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की किसी भी डिफेंस पावर के बारे में कोई मालूमात रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस पर रिसर्च करके उसे दुश्मन के सामने आश्कार कर सकूँ, क्योंकि हमारे गुमनाम हीरोज हमेशा अपने वतन अजीज़ इस सरज़ पाक के साथ अहद वफा किए हुए हैं। इसीलिए मेरे प्यारे हमवतनों, हमें चाहिए कि हर कदम पर उनका बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए ताकि उनमें हौसला, हिम्मत, जवामर्दी और भी ज़्यादा बढ़ सके। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान पर अल्लाह पाक का खास फजल व करम रहता है और हमारे पास अल्लाह पाक की दी हुई बड़ी नेमत हमारे पास पाक आर्मी और एयरफोर्स है जो हर कदम पर हमारी जान के मुहाफिज हैं। दोस्तों, इसलिए कहता हूँ कि इन्हें हमेशा अपनी खास खास दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और अपने वतन अजीज़ के लिए भी दुआ किया करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो प्यारे दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। निवृत्ता के लिए इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।